स्टूडेंट्स, टुडे आई टीच यू द सेकेंड चैप्टर इन सोशल स्टडी ऑफ ए स्टैंडर्ड थर्ड। द चैप्टर नेम इज पीपुल अराउंड अस। फर्स्ट वी नो दैट द पीपुल वी लिव इन सोसाइटी। हम लोग एक समाज के अंदर में रहते हैं, हमारे हेल्प करने वाले बहुत सारे लोग हैं। पिछले क्लास में हम आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि आवर हेल्पर्स नाम का एक चैप्टर पढ़ा होगा, जो हमारे समाज में लोग हैं ना, हमारी मदद करते हैं। इसमें पुलिस वाले हो गए, डॉक्टर हो गए, स्वीपर हो गए, ये सारे लोग जो हमारे हमारे हेल्प करते हैं। बट इन दिस क्लास वी आर नो अबाउट द पीपुल अराउंड अस। इन दिस चैप्टर सम स्पेशल पीपुल्स, कुछ वैसे लोगों के बारे में हम पढ़ेंगे जो जिनको हम कुछ खास बात खास चीज के लिए वो फेमस है, प्रसिद्ध है, और प्रसिद्ध होते हुए भी समाज को बहुत क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। जिसमें पहला जो टॉपिक है हमारा स्पेशल पीपुल, इसमें हमारे वैसे लोग हैं जो समाज में नहीं वो ठीक से सुन पाते थे, आंख से हैंडीकैप्ड होते थे, माने पैर से, माने बॉडी के किसी भी शरीर से वो हैंडीकैप्ड, आंख उनका अंधे हो गए, ब्लाइंड हो गए, डीफ हो गए, यानी बोल नहीं सकते हैं। ये वैसे लोग जो है ना, पढ़ लिख कर बिना आंख का, बिना हाथ का, बिना पैर का समाज में अपना नाम तो रोशन किया ही, अपने देश का नाम रोशन किया, और खुद का, और उसके बाद नाम रोशन करने के बाद समाज में भी कुछ वो दिए कि इससे आगे जो हमारे जो हैंडीकैप लोग हैं उनको कुछ राहत मिले, वो आगे जाके बढ़ सके, पढ़ सके। तो पहला जो है स्पेशल पीपुल, द फर्स्ट टॉपिक, इसमें जो है हम पढ़ेंगे द पीपुल हु आर फिजिकली और मेंटली अनफिट। यानी स्पेशल पीपुल में वैसे लोग हैं जो फिजिकली शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से अनफिट है, माने उसका ठीक से वो बोल नहीं पाते हैं, चल नहीं पाते हैं, या अपने दिमाग का इस्तेमाल ठीक तरीके से नहीं कर पाते। उसमें कौन कौन से लोग हैं और उन्होंने क्या समाज में दिया है और कैसे वो आगे बढ़े। तो नेक्स्ट पॉइंट इज दैट सम पीपुल कैनॉट सी, हियर और टॉक, बट दीज पीपुल आर फेमस फॉर देयर व्हाट। मैंने बताया आपको कि वो ना ठीक से देख पाते हैं, सुन पाते हैं, और ठीक तरीके से बातचीत नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी वो अपना काम करके पूरे दुनिया में फेमस हुए, और फेमस होकर कुछ वर्ल्ड को, समाज को उन्होंने दिया। जैसे लुईस ब्रेल वाज ब्लाइंड स्पेशल पर्सन हु फेमस स्पेशल स्क्रिप्ट कॉल्ड ब्रेल। लुईस ब्रेल नाम के एक व्यक्ति थे जो अंधे थे, और लेकिन उनमें पढ़ने की इच्छा बहुत तीव्र थी, और वो पढ़े, और पढ़ने के बाद जो है उन्होंने एक स्क्रिप्ट, एक लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जिसका उन्होंने ब्रेल स्क्रिप्ट करके नाम रखा, जो अंधे लोगों को टच करके, छू करके पढ़ाने का तरीका उन्होंने इजाद किया। तो उस स्क्रिप्ट को जो उन्होंने बनाया अंधे लोगों को पढ़ने के लिए, उसका नाम रखा गया स्क्रिप्ट, ब्रेल स्क्रिप्ट। वैसे ही एक और नेक्स्ट पर्सन थे हेलेन केलर। हेलेन केलर जो थे, हेलेन केलर ए फेमस अमेरिकन स्पीकर एंड राइटर, सी वाज डीप एंड ब्लाइंड। हेलेन केलर जो थी एक अमेरिकन राइटर थी जो कान से ठीक से सुन नहीं पाती थी और बोल नहीं पाती थी, अंधी भी थी, लेकिन उन्होंने
लिखने का तरीका राइटर बने और स्पीकर बोलने का भी बहुत अच्छा बोलने का तरीका इजाद किया और एक अमेरिका में फेमस हो गए। द नेक्स्ट इज दैट द थर्ड पर्सन इज द सुधा चंद्रन, ए फेमस इंडियन डांसर एंड एक्ट्रेस। शी डज नॉट हैव वन लेग एंड यूजेस एन आर्टिफिशियल लेग इनस्टेड। सुधा चंद्रन नाम का एक डांसर थी जिनको एक पैर नहीं था, लेकिन एक पैर का होकर भी वो आर्टिफिशियल पैर लगा करके और डांस में पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में नाम कमाया और भारत के हिंदी सिनेमा बॉलीवुड में अच्छी एक्ट्रेस बनी। इस तरह जो है सभी लोग अपने अपने स्थान पर अपने अपने देश का समाज में नाम रोशन किया। तो इस तरह के लोगों को हमें हेट नहीं करना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए। वी शुड ऑलवेज हेल्प फिजिकली और मेंटली चैलेंज पीपल। इस तरह के लोगों को हमें हमेशा मदद करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द सीनियर सिटीजन। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है सीनियर सिटीजन, मैंने बताया है। तो सीनियर सिटीजन्स होते कौन है? तो सीनियर सिटीजन्स उनको बोलते हैं जो रिटायर हो जाते हैं, यानी 65 से एबव जो हमारे पेरेंट्स, जैसे में हमारे दादा दादी, ये जो लोग होते हैं 65 से एबव लोग को सीनियर सिटीजन्स होते हैं। तो उन लोगों का जो है, जब उनका ओल्ड एज आ जाता है यानी वो बुजुर्ग हो गए, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सीनियर सिटीजन्स आर ओल्ड पीपुल, ओल्ड एज पीपुल फेस हेल्थ प्रॉब्लम टू। सीनियर सिटीजन आर ओल्ड पीपुल, यानी सीनियर सिटीजन्स हम उन लोगों को कहते हैं जो बूढ़े हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, हमारी तरह यंग की तरह वो दौड़ नहीं लगा सकते हैं, यंग की तरह वर्क नहीं कर पाते हैं, उनका सब काम जो होता है स्लो हो जाता है, धीरे धीरे करते हैं, कम सुनते हैं, लोगों से बहुत कम बात करते हैं, दौड़ नहीं पाते हैं। तो क्यों? क्योंकि उनके पास बॉडी में बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट इज ओल्ड एज मेक्स पीपुल स्लो एंड वीक, देयर आईट साइट बिकम्स वीक एंड हियरिंग बिकम्स लो। हम देखते हैं ज्यादा, हम अपने घर में ही देखते हैं कि हमारे दादा दादी बूढ़े हो जाते हैं, तो वो उनके आई साइट्स यानी आंख जो होता है कमजोर हो जाता है, कोई भी चीज ठीक तरीके से नहीं दिखाई होता है। हम अभी यंग हैं तो हम दूर का चीज भी आसानी से देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन ओल्ड एज के लोग जो है ना, उनका आई साइट कमजोर हो जाता है, तो उनको लेंस लगाने की आवश्यकता पड़ जाती है, चश्मे लगाते हैं। सुनने का कोई भी चीज, हम अगर बहुत धीरे बोलते हैं, स्लो बोलते हैं, तो नहीं सुन पाते हैं। तो ये सारे चीज जो है ओल्ड एज में सीनियर सिटीजन को फेस करना पड़ता है। थर्ड पॉइंट, आवर ड्यूटी इज टू लिसन हिम और गिव हिम रेस्पेक्ट, वी शुड नॉट इग्नोर हिम। यानी जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, उनकी बातों को हमको सुनना चाहिए, उनकी बातों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। हम अपने समाज में देखते हैं बहुत सारे लोग जो है, अपने समाज में, अपने घर के आसपास में देखते हैं कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं, लोग उनका ठीक तरीके से रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, उनकी बातों को सुनते नहीं है, जो कुछ कहते हैं तो वो नहीं सुनते हैं। उनके बच्चे हो या उनके पड़ोस में रहने वाले लोग हैं, उनकी बातों को नहीं सुन पाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए,
हमें उनकी बातों को सुनना चाहिए और उनका आदर करना चाहिए। एंड द थर्ड, पीपुल आर सिक पीपुल, पॉइंट जो है हमने आपको बताया सिक पीपुल के बारे में, यानी बीमार। हमारे चारों तरफ में जो लोग हैं, एक तो मैंने बताया आपका स्पेशल पीपुल सीनियर सिटीजन, एंड द थर्ड इज द सिक पीपुल। ये सभी जो हमारे चारों तरफ के लोग जो हैं, ये जो तीन पॉइंट्स मैंने आपको बता रहा हूं, ये सभी को हेल्प की जरूरत पड़ती है, सहारे की आवश्यकता पड़ती है। तो सिक पीपुल में बीमार लोग, एनी बॉडी कैन फॉल सिक, सो वी शुड टेक गुड केयर ऑफ ओल्ड एंड इल पीपुल, यानी जो बीमार हो जाते हैं, या कहीं हम फ्रैक्चर हो गया, गिर गए, चोट हो गया, हम हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, तो हमारी देखभाल करने वाले जो लोग होते हैं, चाहे वो नर्स हो, हमारी माता पिता हो, हमारे भाई बहन हो, तो ऐसे समय में कोई भी बीमार व्यक्ति को सहारे की आवश्यकता पड़ती है। उनको सही टाइम पर दवा दिया जाता है, भोजन दिया जाता है पौष्टिक भोजन, ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए। तो इस तरह से सिक पीपुल का हमको देखभाल करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट इज दैट इलनेस एंड इंजुरी मेक पीपुल हेल्पलेस। बीमार और कहीं फ्रैक्चर हो गया, टूट गया पैर हाथ, कहीं हम गिर गए, तो हम क्या हो जाते हैं, हेल्पलेस यानी असहाय हो जाते हैं, हमें किसी को सहारे की आवश्यकता पड़ती है, विदाउट सहारे को हम नहीं चल पाते हैं। तो वैसे समय में हमें अपने पेरेंट्स का, अपने फैमिली का सपोर्ट मिलता है, जिससे हम क्या होते हैं, जल्दी ठीक हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट, वी शुड गिव फूड एंड मेडिसिन टू द पेशेंट्स ऑन टाइम। अब हम बीमार पड़ गए, दवा नहीं ले पाएंगे ठीक से भोजन नहीं कर पाएंगे, तो क्या होता है, हम जल्दी ठीक नहीं हो पाते हैं। तो पहला ये जो होता है कि हमारे जो देखभाल करने वाले लोग हैं, चाहे हमारे पेरेंट्स हो या नर्स हो, वो हमें ठीक समय पर और ठीक पौष्टिक भोजन देती हैं और सही समय पर दवा मिलता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हम जल्द ठीक हो जाते हैं और फिर से अपने काम पर, अपने पढ़ाई पर लौट आते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज दैट वी शुड बी टेक केयर सिक पीपुल प्रॉपरली। कोई भी बीमार व्यक्ति है, अगर हम खुद बीमार पड़ जाए, तो हमारा देखभाल करने वाला हमारे घर में लोग हैं, अगर ठीक से देखभाल हमारी नहीं हो पाएगी, तो हम जल्दी ठीक नहीं हो पाएंगे। इस तरह से जो है, इस चैप्टर में थर्ड क्लास का पीपुल अराउंड अस, ये तीन पॉइंट्स थे जिसको हम लोगों ने पढ़ा। नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट जो होगा इसका हम अब आपको क्वेश्चन आंसर व्हाट्सएप के द्वारा भेजेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।